भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। मैं विजय विक्रम सिंह, प्रदेश महासचिव, आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। यहाँ कोटेदार इकट्ठे हुए, क्या कारण है, क्या मांग है? ये पूरे प्रदेश में सरकार के जो गलत नीतियों के कारण अभी कोटेदारों पर एफआईआर की गई है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में हड़ताल 5 तारीख से चल रही है। उसी संदर्भ में यहाँ भी मीटिंग रखी गई है। मैं भी कल नखलू था, वहाँ हमने समर्थन उन्हें दिया। इंस्पेक्टर और एआरओ ने भी कल से हड़ताल शुरू कर दी है, कि जब तक नए ऑपरेटर नहीं आते हैं उनकी भी हड़ताल शुरू हो गई है। और हम परसों जो है माननीय अतुल गर्ग जी मंत्री जी, उनका भी आवास घेर चुके हैं, जगह जगह ये प्रदर्शन चल रहे हैं। तो हमने भी इन्हें समर्थन पूरा दिया है कि हमारा संघर्ष आपके साथ है और संगठन पूरी तरह आपके साथ रहेगा। मांगों को लेकर क्या है पूरी समर्थन? पहली मांग तो यह है कि जो फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए हैं ये सारे वापस होने चाहिए, क्योंकि इसमें एनआईसी दोषी है, सॉफ्टवेयर कंपनी दोषी है और जिस कंपनी की मशीन लगी हुई है वो दोषी है। ये गलत तरीका से दुकानदार को कमजोर कड़ी होने के कारण केवल एफआईआर कराई गई है, बाकी इसका और कोई रीजन नहीं है। दूसरी मांग यह है कि सीबीआई से जांच कराकर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। 200 रुपये क्विंटल जो हमारी कमीशन की मांग पुरानी चली आ रही है, उस मांग को तत्काल बहाल किया जाए। उसके बाद में जो हमारी डोरस्टेप व्यवस्था डिलीवरी है उसे कराया जाए, जिससे हमारे जो परिवार का भरण पोषण हो सके। तीसरी मांग यह है कि जो पुराना हमारा भुगतान पड़ा हुआ बाकी है 2001 से 2016 तक का, वो तत्काल कराया जाए, क्योंकि ये सरकार केवल काम तक वहाँ से कराना चाहती है लेकिन हमें देने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। सरकार पूरी तरह धोखा दे रही है। और भाई साहब एक चीज बताइए, करोड़ों अरबों रुपए एनआईसी पे खर्च किए गए, ये ईपॉस मशीन लगाई गई, हमारा दुकानदार जो है हाई स्कूल या इंटर 8वीं तक पास है ज्यादातर, कोई भी आईटी इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, तो क्या वो सॉफ्टवेयर पासवर्ड के वगैरह में एनआईसी के बारे में जानता है कुछ? आप ही से पूछना चाहता हूँ। ये सरकार केवल गुमराह करके कमजोर कड़ी होने के कारण जब भी कोई भी मामला होता है दुकानदार को ही पीड़ित किया जाता है। ऐसे में अपनी हड़ताल को कहां तक ले जाएंगे? हड़ताल जब तक वापस नहीं होगी, जब तक सारे मुकदमे वापस नहीं होते हैं, सारी मांगे हमारी पूरी लिखित में नहीं होती हैं, जब तक हम, और ये नहीं है कि हम प्रक्रिया में चला है, प्रक्रिया से मैं कोई मतलब नहीं, हमें या तो आप 10 दिन का 5 दिन का टाइम दे दीजिए मैक्सिमम। ऐसे में आप लोग दलील भी कर सकेंगे, ये जिस तरह से जो कोटेदार हैं आप लोग और जो ग्राहक हैं आप लोग, राशन पहुंच सके, राशन नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे में कई घरों की चीजें नहीं चल रही है, 4 लाख करीब यहाँ पे कंज्यूमर आगरा शहर में वो सर्वाइव कर रहे हैं। भाई साहब 3,000 कोटेदारों के खिलाफ एफआईआर हुई है, वो आदमी घर से सो नहीं पा रहा चैन से, कोटेदार मतलब कार्ड धारक काम किसी का भी माल खाने के लिए हमने हड़ताल नहीं की है। हम कार्ड धारकों का माल हर समय बांटते हैं, हर महीना बांटते हैं और बुला बुला के बांटते हैं। जो भी लोग रह जाते हैं उन्हें हम फोन करके बुलाते हैं। 5 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हमारी पूरे महीना दुकान खुलती है और उसके बाद में जब हमें कुछ रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो ये मजबूर में हम 5-9 तारीख हो गई, आज तक राशन नहीं मिला। नहीं अभी तो मशीनें ही काम नहीं कर रही, 10 तारीख तक हड़ताल भी चल रही है हमारी, ग्रामीण क्षेत्र में भी वितरण बंद है, वो अलग चीज है, लेकिन हम हड़ताल इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कार्ड धारक हमारा परेशान हो। जी हम उसे माल देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, बशर्ते कि हमारी मांगे ये तो सरकार को सोचना चाहिए कितनी लंबी हड़ताल क्यों चला रही है वो। ये तो महेश चंद, मैं सदर तहसील से दुकानदार हूँ। जिस तरह से योगी जी का बयान आया था कि क्या लग रहा है? नहीं, हमें तो ये लग रहा है कि योगी जी ने और पूरी गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग बना रखी है इनके खिलाफ, राशन दुकानदारों के खिलाफ, क्या इनको उठा करके अपने जो चमचे हैं ना अंधभक्त उनको बिठाया जाए इस जगह पे। ये हमारी सोच लग रही है कि ये सोचे बैठी है कि ये किया जाए, प्रताड़ित करेंगे कुछ तो प्रताड़ना से हट जाएंगे, कुछ के खिलाफ एफआईआर कर दो, वो धीरे धीरे उनको धीरे 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 करके हटाते जाओ, ये प्लानिंग है उनका। पालीवाल पार में कहां कहां से कोटेदार आए हैं? पूरे जिले से आए हैं, चाहे वो शहर के हो चाहे ग्रामीण हो, हर तहसील से आए हैं यहाँ पे, और संख्या बढ़ती चली जा रही है। संकल्प यह है कि आज उपहार भरी है आपने हमसे लिया। बिल्कुल, अपनी हक के लास्ट तक हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई लास्ट तक लड़ेंगे।
देखिए, हम सभी को ज्ञात है कि माननीय मोदी जी और योगी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। इस साथ सबका विकास सबके साथ के नारे को हम बुलंद करना चाहते हैं, जिस इसी रूप में हम लोगों को भी उनका साथ चाहिए। हमारे द्वारा जो चार सूत्रीय मांगे रखी गई हैं, जो मांगे रखी गई हैं उनकी पूर्ति हो, उनकी मांग को हमारा माना जाए, यही हमारा मुख्य मांग है। आगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम इसी तरीके से हड़ताल करेंगे और इस आंदोलन को बड़े रूप में लेके जाएंगे। आपके साथ चलेगा और आप जीत पाओगे। ये सच्चाई का संगठन है, सच्चाई की शक्ति थी ये, और ये शक्ति बनी रहेगी जब तक सच्चाई के तरीके से हम लोगों को निर्दोष सच्चाई जांच में नहीं कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं, हम इसमें निर्दोषी नहीं है, हमें सही जांच से सही तरीके से निर्दोष साबित किया जाए। अगर इसमें सही जांच हुई तो मेरा कोई दुकानदार दोषी नहीं बनेगा। अगर निष्पक्ष जांच होती तो कौन दोषी कहलाएगा? इसमें वो लोग आएंगे जो इस नेट के बारे में, इस कंप्यूटर के बारे में, इस मशीन के बारे में जानते हैं। मेरा दुकानदार केवल नंबर डालने के, कार्ड के नंबर डालने के अलावा कुछ नहीं जानता है, और उसका नाम पहचानना क्या है, वो दुकानदार है। जानबूझ के सरकार उन लोगों को बचा रही जो वास्तव में दोषी? बिल्कुल बिल्कुल है, ऐसा ऐसा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो ये देख रही है जो मजलूम है, गरीब है, जिनकी आवाज हम दबा सकते हैं तो वो हमारी आवाज दबा रही है।